नमस्कार दोस्तों, जरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। 2023 पर यानी नए साल पर अपने घर पर इस जगह पर नया कैलेंडर लगाएं। आप देखेंगे कि पूरे साल आपके जीवन में समृद्धि और तरक्की आएगी, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर को भी सही दिशा में ही लगाना चाहिए, वरना वो आपके ऊपर नेगेटिव असर डालता है। तो आइए जान लेते हैं नए साल पर 2023 का कैलेंडर आपको अपने घर में कहां लगाना चाहिए। नया साल 2023 आने ही वाला है और नए साल पर नई चीजों में सबसे पहले आता है कैलेंडर। नया साल शुरू होने से पहले घर, ऑफिस, दुकान आदि जगहों पर लोग कैलेंडर लगाते हैं और पुराने कैलेंडर को हटाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर सही दिशा में नए साल का कैलेंडर लगाया जाए तो यह आपकी प्रगति में काफी कारगर माना जाता है। अगर आप साल 2023 को 2022 से ज्यादा लाभदायक और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो वास्तु के अनुसार कैलेंडर से जुड़े कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर कैलेंडर को सही दिशा में लगाया जाए तो किस्मत को आप जागृत कर सकते हैं, साथ में ही समस्याओं को भी साल भर दूर रख सकते हैं। आइए वास्तु के अनुसार 2023 में कैलेंडर को लेकर कुछ टिप्स हम आपको बता रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ज्यादातर देखा जाता है कि जल्दबाजी के चक्कर में या किसी वजह से पुराने कैलेंडर के ऊपर ही नया कैलेंडर लगा दिया जाता है। इस वजह से कई दिनों तक पुराने कैलेंडर घर की दीवारों पर लटके रह जाते हैं। वास्तु में पुराने कैलेंडर का लटका रहना अच्छा नहीं माना जाता, यह आपके जीवन में प्रगति के अवसरों को कम करता है, साथ ही इससे भविष्य की रूपरेखा भी प्रभावित होती है और नए साल में नए कार्य के लिए ऊर्जा की कमी महसूस होती है। इसलिए पुराने कैलेंडर को दीवार से हटा देना चाहिए और नए साल के नए कैलेंडर को घर में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में भी अभी भी पुराने कैलेंडर है तो उन्हें हटा दें। वास्तु के अनुसार नए साल 2023 के कैलेंडर को हमेशा घर के उत्तर, पश्चिम या फिर पूर्व की दीवार पर ही लगाना सही माना जाता है। घर, ऑफिस या दुकान आदि जैसे स्थलों पर इन दिशाओं में नए साल के कैलेंडर लगाएंगे तो जीवन में तरक्की बनी रहती है और साल भर परेशानियां भी दूर रहती हैं। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से मुखिया का स्वास्थ्य सही नहीं रहता और यह उसकी प्रगति में बाधा बनता है। दोस्तों, सूर्योदय की दिशा पूर्व है, इसलिए अगर आप उगते हुए सूरज की तस्वीर वाला कैलेंडर पूर्व दिशा में लगाएंगे तो यह दिशा आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आएगी और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। साथ ही पूर्व दिशा में लगाया गया कैलेंडर संतान के जीवन में प्रगति के द्वार खोलता है। कैलेंडर हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसकी पृष्ठों में उगता हुआ सूरज या खुशहाली से जुड़ा हुआ हो। कभी भी हिंसक जानवर, दुखी चेहरों की तस्वीर आदि नहीं लगाने चाहिए। ऐसे कैलेंडर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए किसी कैलेंडर को घर में नहीं लगाना चाहिए जिसमें हिंसक जानवर या फिर किसी दुखी व्यक्ति की तस्वीर हो। नए साल का कैलेंडर हरा, नीला, सफेद, गुलाबी और लाल रंग का होना चाहिए। ऐसे रंग के कैलेंडर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए सुख समृद्धि और धनागमन के लिए नए साल 2023 में उत्तर दिशा में हरियाली, फव्वारा, विवाह संबंधी तस्वीरें, युवा जीवन की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाना उत्तम माना जाता है। ग्रीन व सफेद रंग का कैलेंडर उत्तर दिशा में लगाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी मुख्य दरवाजे पर या दरवाजे के सामने कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। यदि घर दक्षिणमुखी हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुख्य दरवाजे पर कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। कैलेंडर को गलत दिशा में रखने से आपकी तरक्की भी रुक सकती है। हमें कभी भी दरवाजे के पीछे कैलेंडर को नहीं लटकाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उनकी उम्र कम होने लगती है। तो ये नए साल पर हमने आपको बताया कि आपको कहाँ पे कैलेंडर लगाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसी प्रकार से ज्योतिष और वास्तु की वीडियो सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।